हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। जैसे कि आप मेरे चैनल पे बहुत सारे संबलपुरी ड्रॉपिंग ऑलरेडी देख चुके हो, पर ये जो संबलपुरी ड्रॉपिंग होने वाला है, ये होने वाला है 5 साल से लेके 12 साल के बच्चों तक। तो बिल्कुल स्मॉल चाइल्ड ये वाला ड्रॉपिंग पहन सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, एक धागा अपनी कमर में बांध देना है। आप बच्चों को पूछ के ही बांधिएगा, क्योंकि उनको ज़्यादा टाइट होगा तो वो बाद में डांस नहीं कर पाएंगे, और ज़्यादा लूज होगा तब भी नहीं होगा। तो ये आप अपने हिसाब से पूछ कर ही बांधना। उसके बाद आप एक लेगी वेयर कर सकते हो, या फिर कोई भी हाफ पैंट बच्चों के लिए आता है वो भी आपको डाल सकते हो। और यहाँ पे मैं आपको संबलपुरी साड़ी दिखा रही हूँ। आपको इसी टाइप का संबलपुरी साड़ी लेना है, जिस साड़ी में दोनों साइड पे बॉर्डर होगा, क्योंकि ये जो डिजाइन है ये बॉर्डर के साथ ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैं साड़ी को उल्टा नहीं कर रही हूँ, ताकि इसका जो कलर थोड़ा सा लाइट आए। तो हम क्या करेंगे, उसको दो तरफ फोल्ड कर देंगे। जैसे कि आप देख सकते हो मैं बिल्कुल साड़ी को सेम टू सेम दो बार फोल्ड कर चुकी हूँ, जैसे कि बहुत ही ज़्यादा ये शॉर्ट हो गया है बच्चों के लिए। और यहाँ पे आप देख सकते हो मैं सामने की तरफ से टकिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ अपनी राइट हाथ से। तो यहाँ से हमें पीछे की तरफ उसको घुमा देना है, और एक फुल राउंड हमें यहाँ पर घुमा देना है। इसके बाद जो साड़ी यहाँ पर बच जाता है, आपको अंदर की तरफ उसको टकिंग कर देना है पूरे राउंड एरिया पर। और उसके बाद आपको क्या करना है, साड़ी को थोड़ा सा ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है और ज़्यादा लूज भी नहीं करना है। इसके बाद आपको साड़ी को, जैसे कि मैं यहाँ पे आपको दिखा रही हूँ, फिर से आपको पीछे की तरफ उसको लेना है, और पीछे से बिल्कुल सेंटर में ही उसको टकिंग करना है। उससे पहले हमें जितना एक्स्ट्रा साड़ी यहाँ पर ऊपर की तरफ निकल आता है, आपको धागे की मदद से उसको टकिंग कर देना है। और पीछे के एरिया पर आप यहाँ पर देख रहे हो, मैं यहाँ पर उसको टकिंग करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको बिल्कुल इसी तरीके से ही उसको थोड़ा ज़्यादा फैब्रिक लेके ही उसको यहाँ पे टकिंग कर देना है। तो यहाँ पे टकिंग होने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे उल्टा घुमाना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, आपको बिल्कुल उल्टा ही घुमाना है। और उल्टा घुमाने के बाद फिर से साड़ी को टकिंग करना हम स्टार्ट करेंगे, जितना एक्स्ट्रा फैब्रिक यहाँ पर हमारा रह जाता है। और उसको टकिंग करने के बाद हम साड़ी को फिर से यहाँ पे राइट साइड से ही उसको पीछे की तरफ लेके जाएंगे। आप समझ रहे हो, सबसे पहले हमें उल्टा लेना है, उसके बाद हमें सीधा लेना है, जहाँ से हमने उसको टकिंग किया था उसके बिल्कुल बीचों बीच आसपास ही हमें रखना है। तो यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। फिर से साड़ी को दोबारा हमें उल्टा ही लेना है, और यहाँ पर डायरेक्टली ही अपने कंधे पर डाल देना है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो, इसके बाद आपको यहाँ पे कोई भी पल्लू या फिर कोई भी प्लेट्स यहाँ पे नहीं डालना है। आपको यहाँ पे छोटे छोटे करके यहाँ पे बॉर्डर अपने हाथों से ही सेट करना है, जैसे कि मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ, ताकि इसका जो बॉर्डर कंधे से लेके नीचे तक इसी टाइप का ही रह पाए। और यहाँ पे हमें एक सेफ्टी पिन डाल देना है। यहाँ बस बच्चों के लिए एक सेफ्टी पिन ही पूरी ड्रॉपिंग की हमें ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि ज़्यादा सेफ्टी पिन हम यहाँ पर नहीं डालने वाले हैं। और साड़ी को पकड़ के बॉर्डर के साथ उसको हमें अपने कमर में घुमा देना है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। साड़ी अगर आपका थोड़ा सा शॉर्ट है तो आप यहाँ तक ही रखना, साइड पे पिन डाल देना या फिर साइड पे टकिंग कर देना। साड़ी मेरा थोड़ा सा लॉन्ग है, इसलिए मैं उसको क्या करी हूँ, उसको एक फुल राउंड घुमा के हमें ऑपोजिट साइड पर यहाँ पर उसको अंदर की तरफ टकिंग कर देना है, और हाथों से ही उसको थोड़ा सा टाइटली खींच देना है, क्योंकि बेल्ट जो है टाइट ही होना चाहिए डांस प्रोग्राम के लिए। तो ये हमारा ड्रॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हो। और मैं आपको इसका जो कंधे पे डालते हैं और रुमाल दोनों डाल के आपको दिखा रही हूँ, आप देख सकते हो साड़ी ड्रॉपिंग बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। बच्चों के लिए ध्यान पे रख के ही मैंने किया है। तो ये वाला संबलपुरी साड़ी ड्रॉपिंग आपको कैसा लगा, मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताना। अब तक के लिए रहती हूँ, बाय बाय।